ये सामान्य ग्रंथ नहीं है, परमहंस संहिता है। ये पहला दिन कथा का कुछ ऐसा जिसमें इन सारे प्रसंगों का स्मरण किया जाता है। कथा के आरंभ में विधान है ये। आइए भागवत के प्रथम स्कंद के पहले श्लोक का वाचन करते हैं। और अभी तो महात्मा में हम थे, अब प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिससे कि मर्यादा अनुसार कथा के प्रसंगों के साथ न्याय हो सके। जन्मादस्यतो नयादतरतस् चार्थे सुविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूर्य तेजो वारिमृदां यथा दिनमयो यत्र त्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि श्रुति भगवती जो कहती है वही भागवत के आरंभ में है। जन्मादस्यत, ये बड़ी अद्भुत बात है। जो ब्रह्म विद्या है अथवा श्री विद्या अथवा अभेद विद्या अथवा जिस विद्या के माध्यम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उस विद्या के सूत्र हैं ये। जन्मादस्यत, जो प्रस्थानत्रय के साधक हैं, जो गीता ब्रह्म सूत्र उपनिषदों के अध्येता अथवा उपासक हैं, जो उसका स्वाध्याय करते हैं, उनके जीवन में कहाँ कष्ट रहता है। भागवत के प्रथम स्कंद में पहला ये श्लोक जो ऐसा कहता है, आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया। ये आदि कवि कौन है? आदि कवि कुछ वाल्मीकि को कहते हैं। आदि कवि, यद्यपि आदि कवि जानते हो कौन है? ब्रह्मा। पर उपनिषदों में तो कुछ और बात आई है, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। सच तो ये कवि कवि आदि कवि भगवान नारायण ही हैं, जिनकी ये सकल रचना है। तेजो वारि मृदाम यथा विनमयो, ये सारा कुछ जो है उनके द्वारा रचित है, इसमें वो रहकर भी इससे भिन्न हैं। धामना स्वेन सदा निरहस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। कुछ लोग इसे ब्रह्म गायत्री भी कहते हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा अभिमत है कि ये ब्रह्म गायत्री है, जो भागवत के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक है वह ब्रह्म गायत्री है। इसका स्मरण मात्र ही, इसके उच्चारण मात्र से, इसके श्रवण मात्र से ही हमारे संपूर्ण पापों का, कलमश का, कषायों का, मल विकारों का, विक्षेप आवरण का, अविद्या अस्मिता राग द्वेष का, अभिनिवेश और अहंकार का शमन होने लगता है। आप भले ही विश्वास न करें, कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो तत्काल प्रभाव डालती हैं। विज्ञान ने सिद्ध तो कर दिया, साइनाइड नाम के एक द्रव्य से एक छोटी सी पिल, एक छोटी सी टेबलेट किस तरह से नींद ले आती है, दो चार बूंद किस तरह से नींबू की और दूध को फाड़ देती हैं, तनिक से तनिक सा मिष्ठान, तनिक सा क्षार खार, तनिक सा कटु तिक्त अम्ल, ये स्वाद की चीजें बताई मैंने आप, कटु है, तिक्त है, अम्लता है, क्षारता है, कषायता है, मिष्टता है, माधुर्यता है, मुग्धता है, थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़ी सी। आप बड़े खिन्न बैठे हैं, म्लान बैठे हैं, दुखी बैठे हैं, अचानक किसी का स्मरण आ जाए, आप प्रसन्न हो जाते हैं, लो भूली दास्ता फिर याद आ गई। अचानक आपको कुछ याद आ जाती है, आप प्रसन्न हो गए। कभी कभी आपका मुख मलान हो जाता,
किसी को याद करके आप आनंदित हो गए, चहक रहे हैं, और किसी को देखकर आप असहज हो गए, अशांत हो गए। ऐसे ही भगवत स्मृति अद्भुत है। पांडवों की कथा आती है, परीक्षित का उसमें उल्लेख आता है। उत्तरा के गर्भ से परीक्षित, टेस्टेड मतलब परीक्षित का अर्थ है जिसकी परीक्षा हो गई। अब चूंकि परीक्षा हो चुकी है, अब वो सर्वगुण संपन्न है, अब वो अधिकारी है, इस कारण उसके जीवन में भागवत का प्रवेश होता है। भले ही कारण वो मृत सर्प का विभांडक ऋषि के गले में डालना हो, लेकिन मूल तो यही है। आज की कथा में एक अलग तरह की बात हमने कही है कि आपके जीवन में अचानक कहीं अपयश है, अपमान है, दुरावस्था है, अथवा अभाव है, या अल्पता है, या कोई न्यूनता है, या कुछ भी जो ऐसा है जिसे आप एडवर्स कह रहे हैं, या कुछ ऐसा कह रहे हैं बड़ा ऑड है, वो सही नहीं है, तो उसके साथ एक और संभावनाएं हैं अच्छा होने की, क्योंकि जीवन अंतहीन संभावनाओं का नाम है, उसमें एक नहीं अनेक संभावनाएं हैं। दूसरी बात जो ध्यान से सुनने की है, जीवन में चुनौतियां आएंगी तो नए अवसर लेकर आएंगी, बस इतना ही याद रखना है। जीवन में चुनौतियां आएंगी तो नए अवसर लाएंगी, नया अनुसंधान करोगे, नई गवेषणा होगी, नए प्रयोग होंगे, नवाचार होगा, नूतन सृजन होगा, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहो। अचानक सूरज आता है, और भारत का तो पहले संस्कार था, अब तो पता नहीं किस तरह के हमारे घर बन गए हम सबके, लेकिन ये भारत का पुराना संस्कार कि सूरज आया, आंखें खुली, और आदमी ने झाड़ू उठाई और अपने घर का कचरा साफ किया। ये पहला संस्कार था भारत के लोगों का। इसका अर्थ है सूरज तो आया है, उमंग तो आई है, प्रकाश तो आया है, लेकिन वो यही बता रहा है कचरा पड़ा है, और वो ये भी बता रहा है कि शुद्धि करनी है, वो ये भी कहता है दंत धावन करना है, वो ये भी कहता है कि स्नान करना है, वो ये भी कहता है कि ज्योत जलानी है, और उसी में से मार्ग निकलता है। बहुत अलग तरह की आनंद की अनुभूतियां हैं जगन्नाथ धाम में।